आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रामसार कन्वेंशन के बारे में। तो ये डिटेल्स वीडियो होने वाली है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कवर करेंगे, फिर इसका एम क्या है, फिर गवर्नमेंट क्या क्या मेजर ले रही है इस कन्वेंशन के थ्रू, और इसको बचाने के लिए क्या क्या स्टेप ले रही है, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे पहले देखेंगे स्क्रीन पे कि लोकेशन रामसार एक सिटी है ईरान में। तो याद रखना है कि ईरान कंट्री में है रामसार, बस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और साइन हुई थी 2 फरवरी 1971 में, इफेक्टिव कब हुआ था 21 दिसंबर 1975। तो ये दोनों डेट जो है याद रखना है। और कितने इसमें कंट्री जुड़ चुके हैं अभी तक, तो 171 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। और फिर यहाँ कितने इसमें टोटल साइट्स हैं वर्ल्ड में रामसार के, तो याद रखना है आपको 2400 है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में कितने हैं, तो 42 है, इसको खास ध्यान रखें क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे कुछ वेटलैंड्स की फ़ोटोज हैं, आप ये देख सकते हैं, ये सारी रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत आती है। वेटलैंड्स को हिंदी में आर्द्रभूमि बोलते हैं, और वेटलैंड्स की डेफिनेशन ये है कि ऐसी कोई आर्द्रभूमि या कोई भी भूमि जो हमेशा पानी से घिरा होता है, या साल के कुछ महीनों में पानी से घिरा रह सकता है, या फिर सिर्फ मानसून के समय पानी से घिरा रह सकता है, उसे हम वेटलैंड्स के अंदर रखते हैं। मिलाकर यहाँ पे आपको पानी भी मिलेंगे, ज़मीन भी मिलेंगे, पक्षी भी मिलेंगे, पेड़ भी मिलेंगे। समुद्र से सिर्फ यही अंतर होता है कि समुद्र में सिर्फ पानी देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पेड़ भी मिलेंगे और पानी भी मिलते हैं। और वेटलैंड्स के कुछ अलग हिस्सों को मानव का हस्तक्षेप भी है, कुछ हिस्सों में नहीं है। तो ये दोनों तरीके की वेटलैंड पाई जाती है। वेटलैंड्स को चयन करने का पैमाना काफ़ी बड़ा होता है। इसके अंतर्गत सभी झीलें, नदियाँ, गीली घास के मैदान, समुद्री तटे, मानव द्वारा निर्मित तालाब, सभी वेटलैंड के अंतर्गत आती है। वेटलैंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मानव जीवन यापन में वेटलैंड काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह विश्व की सबसे ज़्यादा पैदावार वातावरण होती है। इसके पैदावार से अनगिनत जीव जंतुएँ अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार आगे आकर वेटलैंड्स का रख रखाव करे, इसको सुरक्षित बनाए। इन वेटलैंड्स की बुद्धिमत्ता से उपयोग करने में सरकार हमेशा कार्यरत रहती है। यह अनेक मायने में फायदेमंद होता है, जैसे कि ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन रखना, अपने आसपास के क्षेत्रों को बाढ़ से बचाना। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे याद रखना है 2 फरवरी को मनाई जाती है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आती है, तो इसे मुँह पर हमेशा याद ही रखें, और अभी तक जो पढ़ाया गया उसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी हम देखने वाले हैं कुछ फैक्ट्स हैं जो रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड हैं। जैसे कोबर्ग पेनिनसुला है ऑस्ट्रेलिया की, जो पहली रामसर साइट बनी थी, इसको याद रखना है। नल से जल एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट द्वारा जो रामसर साइट से रिलेटेड है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लोकटक लेक जो मणिपुर का है, और कोयलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में पड़ती है, ये दो वेटलैंड है इंडिया के करेंटली जो माउंटेक्स के रिकॉर्ड में आती है, तो इसे भी आपको याद रखना है। तक हमने कवर किया है इंट्रोडक्शन क्या था इसका, फिर हमने कवर किया एम क्या है, फिर इसका पर्पज क्या है, फिर इम्पोर्टेंस क्या हो जाती है इस कन्वेंशन और वेटलैंड के थ्रू। फिर अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पे, जहां पे देखना है कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है इसके रखरखाव, इसको बचाव और इसको इनक्रेज करने के लिए, या इनमें जो लोग इंडल्ज हैं उनको किस तरह से इनक्रेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें के लिए एक कमिटी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के तहत। 4 चीज़ें बनाई गई है, एक बेसलाइन डेटा तैयार किया जाता है, फिर वेटलैंड का हेल्थ कार्ड है कि उस पर देखते हैं कि किस तरीके से उसका प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि जो भी स्पीसीज थी वो एनिमल स्पीसीज हो या प्लांट स्पीसीज हो, क्या उसके तरीके में रहने में या उसके नंबर में कमी आई है या बढ़ी है, फिर देखते हैं कि वाटर का जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी में क्या चेंजेज आई है। फिर एक इनलिस्ट करते हैं वेटलैंड मित्र, ये कुछ लोगों का समूह होता है जो इसको चेकअप करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं। फिर होता है लास्ट स्टेप है, प्रिपेयर करते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, जिसमें हम फिशिंग करते हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।